शहर के कतिरा स्थित चौधरी मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफलता हासिल की है। इस मौके पर संस्था के शिक्षक एम के चौधरी ने सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिए। शहर के कतिरा स्थित चौधरी मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफलता हासिल की है। इस सफलता का श्रेय छात्र छात्राएं अपने शिक्षण संस्थान के शिक्षक और जो उनके मेंटोर हैं उन्हें दे रहे हैं। आपको बताते चले कि चौधरी मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले छात्र ने 92% मैथ में अंक लाकर जिले में अपना नाम रोशन किया है। वह शिक्षक संस्थान के निदेशक एम के चौधरी का कहना है कि उनका पूरा ध्यान अपने छात्रों पर रहता है। छात्र को अपने वो भाई पुत्र के तरह मानते हैं। जो भी छात्र कमजोर होते हैं उन्हें विशेष ध्यान देते हैं ताकि वो उनके संस्था के साथ साथ अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सके। वहीं आज संस्था के निदेशक के द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। हाईएस्ट हैं आकाश कुमार जो 88% मैथमेटिक्स में लाए हुए हैं। ये आकाश कुमार हैं और इनको मैं सम्मान करता हूँ। तो है 80% मैथमेटिक्स में लाए हुए हैं गौतम कुमार हैं और इनको हम सम्मान करते हैं। ये लड़का लिटरेचर में भी बहुत अच्छा नंबर लाया है। इसका लिटरेचर में वैसे भी नंबर बहुत कम उठता है, उस कंडीशंस में भी यह आपका 80 out of 100 और 50 out of 50 आपका 45 नंबर लाने वाला यह विद्यार्थी है जिसको हमने बहुत ही लगन से पढ़ाया था और बहुत अच्छा किया। कैंडिडेट के इस बार रिजल्ट काफ़ी ही अच्छा आया है। आपके शिक्षण संस्थान से 91% से मार्क्स लाया मैथ में, जो कि मैथ काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है। ऐसे में छात्र छात्राओं को काफ़ी प्रेशर रहता है। ऐसे में आप कैसे पढ़ाएं कि ये छात्र इस तरीके का नंबर मार्क्स ला पाए? सघन अध्ययन और लगातार रिवीजन। जो विद्यार्थी, सबसे बड़ा समस्या ये है कि विद्यार्थी जो है उनको किस तरह से पढ़ाया जाए और पढ़ाई किस तरह से हो इसका सही नॉलेज नहीं होता। किस तरह से हम अध्ययन करना चाहिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वही विद्यार्थी सफल हो सकता है जब हर सब्जेक्ट को इक्विवेलेंस लेकर और हर सब्जेक्ट का तैयारी ढंग से करें। आज संस्था में सर क्या किया गया छात्र छात्राओं के लिए? सभी छात्र छात्राओं जो यहाँ टॉप किए हैं और उनको सम्मानित किया गया है और सम्मान के साथ उनको पुरस्कार भी दिया गया है। आगे सर इनके मार्गदर्शन के लिए आप क्या करेंगे इन छात्र छात्राओं के लिए? हम प्रयास करेंगे कि यह हमेशा कठिन मेहनत करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें और इनके साथ जो भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी हमारा मार्गदर्शन के साथ रहेगा। सर आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, उन्हें क्या संदेश दीजिएगा? विद्यार्थियों को हम कहना चाहेंगे कि खूब लगन से जो रिजल्ट आने वाला है और जो भी रिजल्ट आए बच्चों को, जो होने वाला है वो तो हो गया लेकिन आगे का प्रिपरेशन जो है उसमें अपना लगन से मेहनत करके और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहुँचे बता दिया सर। मैं एम के चौधरी, चौधरी मैथमेटिक्स क्लासेस, कतिरा मेन रोड आ रहा। 91% मैथ्स में मार्क्स आया, 92 मार्क्स आया आपका मैथ्स में, कैसा लग रहा है और किसे श्रेय देंगे इसका? सर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब इतना नंबर आया है। सर हमारे पढ़ाए हैं, जो जो सर हमको बोल रहे थे वो हम फॉलो कर रहे थे और रूम पे यहाँ से पढ़ के जा रहे थे, रूम पे बहुत ही मतलब प्रयास कर रहे थे, अपने पढ़ रहे थे। और मैं बस यही सोचा हूँ कि सर हमारे लिए जो कुछ भी हैं वो भगवान हैं और जो कोचिंग है वो हमारे लिए मंदिर है। सर कहाँ से आप आते हैं? जी सर मैं यहाँ रहता हूँ अपने मतलब यहाँ पे रूम है। कहाँ से रहने वाले हैं सर? सर जगदीशपुर के मैं रहने वाला हूँ। क्या गुरु मंत्र दिया था इन्होंने कि जिस तरीके से आपने तैयारी की और फिर इतना अच्छा नंबर लाया आपने? जी सर मतलब जैसे ऑल स्टूडेंट को मतलब पढ़ा रहे हैं सर, उसी तरह हमको भी मतलब पढ़ा रहे थे और मतलब जैसे जो बोल रहे थे हम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे हम पढ़ रहे थे सर। और आने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे, लड़कों को क्या बोलेंगे? जी सर
सर, मैं सर यही सोचता हूँ कि जिस तरह से मैं नंबर लाया हूँ, अगले जो 2020 में होने वाला है एग्ज़ाम सर, उसमें अच्छा पढ़ाई करें और जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छा मतलब नंबर लाने के प्रयास करें सर। ठीक। हाँ सर, सर मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है ऑल ओवर सब्जेक्ट देखा जाए तो अच्छा आया है। यहाँ मैथमेटिक्स की बात की जाए तो कुछ छात्र जो टॉप किए हैं, अपने संस्था का नाम रोशन किए हैं, क्योंकि एक रिज़ल्ट जो होता है वो एक शिक्षक का होता है, और कितना खुशी होता है एक शिक्षक होने के नाते जिस प्रकार से ये रिज़ल्ट आता है। देखिए, शिक्षक जो मेंटर होता है वह एक फादर होता है, तो जो खुशी एक फादर को अपने पुत्र के सफलता पर नहीं होती है, उसे ही कहीं कोई गुना अधिक एक शिक्षक को अपने छात्र के सफलता पर होता है। क्योंकि कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काको लागू पाँव गुलुहारी बरी, आपकी गोविंद दिया बताओ। तो गुरु की उपाधि तो सबसे ऊपर मानी गई है। आ ठीक, ऐसा मान ली कि सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए भी होता है। आज हम लोगों को इन लोगों की सफलता पर जो खुशी हुई, उसी के आधार पर हम लोगों ने मान लिए कि एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया, आप लोग को भी आमंत्रित किया। नहीं भाई, और इन बच्चों से भी हम लोग का ये है कि इट इज़ नॉट योर फर्स्ट अचीवमेंट बट इट इज़ योर फर्स्ट अचीवमेंट, नॉट लास्ट अचीवमेंट बट इट इज़ योर फर्स्ट अचीवमेंट एंड यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट। यही हम लोग का इंग्लिश के टीचर हैं। हाँ हाँ, इंग्लिश आपके पढ़ावे के छात्र भी ने बहुत अच्छा। हाँ, हमारा ही एक बच्चा है, मान लीजिए कि आपका ये लिटरेचर में बहुत अच्छा नंबर लाया है, इसका मान लीजिए कि आपका ओवरऑल आउट ऑफ 119 नंबर लाया है, और आपका आउट ऑफ 50 में या 45 नंबर लाया है। मेहनत अच्छा किया है, हम लोग का नाम रोशन किया है, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, मेहनत करते हैं। और साथ में अभी इसका पहले भी हम इसका रिजल्ट तो हम रिजल्ट आने के पहले अनाउंस कर देंगे, जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आने क्या लगता है कितना किया कि जो हम पढ़ाते हैं बस वही पढ़ते जाओ, और बढ़िया से याद करके या फिर जो भी पढ़ो उसको बढ़िया से पढ़ो और रिवीजन करते जाओ। जैसे ग्रामर में, वॉयस में, रसन या जो भी लेसन पढ़ाते थे बढ़िया से पढ़ाते थे, और हम लोग इनके ही पढ़े, उनके उसको ही बस फॉलो।